दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पूरी तरह से तैयार है आईपीएल का मंच, पूरी दुनिया की निगाह होगी पहले मुकाबले पर। गुरु और चेले की लड़ाई में पार होने वाली है रोमांच की सारी हदें। पिछले साल का बदला लेने के लिए तैयार है माइकी पल्टन, तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला, कितने बजे से होगी इसकी शुरुआत और एक दूसरे को रौंदने के लिए क्या है धोनी और पांड्या का मास्टर प्लान। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कौन करेगा आईपीएल 2023 के पहले मुकाबले पर फतेह हासिल, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों कुछ ही घंटों के बाद महेंद्र सिंह धोनी के सामने नजर आएंगे हार्दिक पांड्या। पूरी दुनिया की नजर इन दोनों ही टीमों पर टिकी होगी। एक बार फिर 2 महीनों के सफर में 74 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें धोनी, रोहित और कोहली से लेकर 10 फ्रेंचाइजी एक दूसरे से भिड़ने को पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें महीनों भर से क्रिकेट फैंस को आईपीएल का इंतजार था और कुछ ही घंटों में उनके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और बहुत जल्द क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा। आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पहली बार में आईपीएल के खिताब को जीतने वाली गुजरात के बीच होने वाला है। दोस्तों इन दोनों के बीच मुकाबला काफी टक्कर का होता है। दोस्तों आपको बता दें चेन्नई के लिए साल 2022 का आईपीएल किसी बुरे सपने से कम नहीं था, तो उन्होंने आईपीएल के अंत में पॉइंट टेबल में 7वें स्थान पर कब्जा जमाया था। वही गुजरात के सामने भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था और खेले गए दोनों ही मुकाबलों में चेन्नई को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। वही हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात ने आईपीएल 2022 में अपना जलवा बिखेरा था। चेन्नई को 2 मुकाबलों में हराने के साथ ही गुजरात ने पहली बार में आईपीएल 2022 के खिताब पर कब्जा कर लिया। जो कारनामा बड़ी से बड़ी टीमें आज तक नहीं कर पाई वो कारनामा पांड्या ने पहली बार में कर दिखाया, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। तो दोस्तों अपनी पुरानी हार का बदला लेने के इरादे से महेंद्र सिंह धोनी निकल चुके हैं। जी हां दोस्तों आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला 31 मार्च यानी आज शाम 7 बजे से गुजरात और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये गुजरात का होम ग्राउंड भी है, जहां एक बार फिर रनों की बारिश होने के साथ साथ विकेटों के उड़ने का शोर भी हमें जल्दी सुनाई देने वाला है। अभी से इस मुकाबले के लिए लोगों का जोश देखने को बनता है और स्टेडियम भी पूरी तरह से हाउसफुल हो चुका है। आपको बता दें जहां एक बार फिर गुजरात की कमान हार्दिक के हाथों में होगी, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई को लीड करने को पूरी तरह से तैयार है। बात करें दोनों टीमों की तो कोई किसी से कम नहीं है। दोनों के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जो किसी भी टीम को बड़ी आसानी से धूल चटा सकते हैं। अब ऐसे में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का ऐलान भी हो चुका है। आपको बता दें गुजरात के लिए शुभमन गिल के साथ केएस भरत ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे, तो वहीं मध्य क्रम में कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन के साथ डेविड मिलर और खुद हार्दिक पांड्या विरोधी टीम की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएंगे। हालांकि पहले मुकाबले में डेविड मिलर की जगह मैथ्यू वेड प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। वहीं ऑलराउंडर के रूप में राहुल तेवतिया के साथ राशिद खान देखने को मिलेंगे, जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी कोहराम मचा सकते हैं। वहीं तेज गेंदबाजी के रूप में मोहम्मद शमी के साथ अंसारी जोसफ देखने को मिलेंगे। वहीं प्लेइंग 11 में दो भारतीय सितारे साई किशोर के साथ विजय शंकर कोहराम मचाते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों चेन्नई के लिए ऋतुराज और कोनवे की जोड़ी ओपनिंग करती हुई नजर आएगी। वहीं मध्य क्रम में अंबाती रायडू के साथ बेन स्टोक्स और खुद महेंद्र सिंह धोनी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएंगे। वहीं ऑलराउंडर के रूप में मोइन अली के साथ रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे देखने को मिलेंगे। वहीं तेज गेंदबाजों की कमान मुकेश चौधरी और दीपक चाहर के कंधों पर होगी। वहीं स्पिन गेंदबाजों के तौर पर महेश तीक्ष्णा अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जय दोस्तों पहले ही मुकाबलों में रोमांच की सारी हदें पार होने वाली है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है पहले मुकाबले में कौन बनेगा विजेता, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा।